मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, मैजिक फूड का, पैशन फॉर फूड, लव फॉर फूड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यमी यमी शाही वेजिटेबल। ये बनता है राजस्थान में, राजस्थान का स्पेशल है आलू प्याज पनीर। सो ये आलू प्याज पनीर आज हम बना रहे हैं बल्क ऑर्डर में। तो ये बल्क ऑर्डर है, लंच ऑर्डर है, तो हम एक बल्क में रेसिपी कैसे बनाते हैं चलिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं यमी यमी रेसिपीज, बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपी, बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपी, बहुत सारी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज। और उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी, एक बहुत यमी राजस्थान की रेसिपी। और ये रेसिपी है आलू प्याज पनीर, जो कि घी में बनता है, देसी घी में बनता है। तो ये रेसिपी एक हम हमारे स्पेशल कस्टमर के रिक्वेस्ट पर हमने ये रेसिपी बनाई है और बल्क में बनाई है। तकरीबन काफ़ी लोगों के लिए ये बनाई है, दिस इज सफिशिएंट फॉर 50 पीपल। सो ये हम जो रेसिपी लाए हैं ये आलू प्याज पनीर की सब्जी है। तो फ्रेंड्स, जब आप रेसिपी बनाते हैं बल्क में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं चलिए आज देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राई कर रहे हैं आलूओं को। ये हमने तकरीबन 25-26 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, उसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद उसको पील कर लिया, छील लिया, छिलके हटा दिए और अब उसको देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान का जादू है कि यहाँ जो भी बनता है वो देसी घी में बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हम देसी घी में फ्राई कर रहे हैं आलूओं को और ये क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन कर लेते हैं आलूओं को। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आलू पहले आपको बॉईल करने हैं, आपको 95% डन करना है सारे आलू को। दैट मीन्स 95% आपको ये आलू अच्छे से बॉईल करना है, फिर छीलना है और फिर इसको फ्राई करना है। तो ये देसी घी में आपको फ्राई करेंगे अच्छे से, बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। इसका जो क्रस्ट है वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए तब फ्राई करें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ ले रहे हैं ऑनियन। तो ये तकरीबन ऑनियन है 2 किलो, छोटे छोटे ऑनियन है 2 किलो। तो ये 2 किलो ऑनियन हम फ्राई कर रहे हैं, इनको हमने छील लिया, छिलका हटा लिया और ऊपर नीचे हटाने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। छोटे छोटे ऑनियन है तो जब ये देसी घी में फ्राई होते हैं तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इनको कच्चा ना डालें, इनको अच्छे से फ्राई करें, बिकॉज जब इसके फ्राई हो जाते हैं देसी घी में तो ये स्वाद बहुत अच्छा आता है और आपकी वेजिटेबल का स्वाद बढ़ जाता है। देखिए, सारे ऑनियन हमने फ्राई कर लिए, अब ये हम यहाँ इसमें डाल देते हैं देसी घी। ध्यान रखिए कि जब आप मसाला तैयार कर रहे हैं तो एक साथ ज़्यादा घी ना यूज़ करें। देखिए, हम यहाँ पे तकरीबन 1 कप हमने देसी घी लिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये खड़े मसाले, ये तेज पत्ता है, 3-4 तेज पत्ते और 4-5 है सूखी लाल मिर्च, 4-5 लौंग, 2 है स्टार अनीस, शाह जीरा, दालचीनी 1 टुकड़ा और साथ में हमने डाल दिया गार्लिक। गार्लिक के बाद हमने स्लाइस करके ऑनियन रखा है वो डाल दिया हमने। गार्लिक हमने डाला है 1 कप और स्लाइस ऑनियन हमने 2 स्लाइस ऑनियन डाले, 1 कप हमने डाला ऑनियन। और चलिए, उसके साथ ही हम दूसरी तरफ फ्राई कर लेते हैं पनीर। तो ये देसी घी में हम पनीर को भी फ्राई कर रहे हैं। ये पनीर जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं, 1 kg पनीर हम फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए, साथ के साथ हम ऑनियन को भूनते भी जा रहे हैं और इसमें हम
डाल देते हैं, जिंजर पेस्ट, ये जिंजर पेस्ट हाफ कप है, और साथ में हम डाल देते हैं चॉप गार्लिक ग्रीन चिली, ये भी हाफ कप है, और अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटो। टोमेटो हम 2 कप टोमेटो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये टोमेटो हमने बॉईल करके और फिर हमने इसको ग्राइंड किया है, पीसा है। टमेटो आप पहले ब्लांच कर लें, ब्लांच करने के बाद उसके छिलका हटाकर फिर उसको मिक्सर में पीस लें। तो देखिए ये मसाला तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ हम पनीर को सेक रहे हैं घी में, हल्का सा आपको सेकना है। चलिए अब मसाले में हम डाल देते हैं टर्मरिक पाउडर। तकरीबन हमने टर्मरिक पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून भर के, बिकॉज ये बहुत सारा बल्क बन रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 कप, आप ये थोड़ा सा बनाते हो तो इसी को कम करके लीजिएगा। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम इसमें डालते हैं भुना मसाला, ये स्पेशल भुना मसाला है, इसकी रेसिपी हमने पहले दे रखी है वीडियो में। आप यदि चाहे तो कुछ और मसाला यूज कर सकते हैं। ये हमने गरम मसाला यूज किया, तो भुना मसाला हम 1 कप ले रहे हैं और गरम मसाला हम 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। तो देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसको बहुत अच्छे से भून लेते हैं। ये पूरा मसाला देसी घी में भुन रहा है। अब देखिए हम जो घी है उसका पोर्शन हम कम रखते हैं ताकि जो वेजिटेबल बने वो बहुत ही यम्मी बने। ये जब हम फ्राई कर रहे हैं तब हम घी का पोर्शन कम रख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ यहाँ हम डाल रहे हैं 1 कप फुल कप काजू का पेस्ट। और साथ में हम डाल देते हैं ये फ्राई किए हुए ऑनियन, और ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। और अब हम आलूओं को इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे आलू हैं तो आप साबुत डालिए, और यदि आलू बड़े यूज कर रहे हैं तो उसको काट दीजिए। जो आलू थोड़े से बड़े होंगे हम उनको क्रश कर देंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। छोटे आलुओं को हम साबुत रहने देंगे, बड़े आलुओं को क्रश कर देंगे। सारे आलूओं को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये सारे आलू हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। 25-26 आलू हैं बड़ा जो मीडियम साइज के हैं, ये हमने ऐड कर दिया। मसाले को हम मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला फ्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर। 1 kg पनीर हम डाल रहे हैं। पनीर के बड़े बड़े पीसेस रखे, बिकॉज इसमें बहुत टेस्टी लगता है जब आप बड़े पीसेस रखते हैं इसमें। छोटे पीसेस जो है वो टूटने का रहता है, और जो आपके वेजिटेबल है उसमें यदि पनीर टूट जाते हैं तो वेजिटेबल जो है उसका टेस्ट जो है वो वैसा नहीं आता है जैसा कि राजस्थान में बनाया जाता है बिल्कुल साबुत से। ये देखिए तैयार हो गया है। इसमें अब हम डाल देते हैं कोरिएंडर चॉप किया हुआ। सब सारी चीजें पकी हुई है तो बहुत ज्यादा पकाने की हमें जरूरत नहीं होती है, मसाले को हमें पकाना होता है। देखिए ये तैयार हो गया, तो फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। राजस्थान आइएगा तो जरूर खाइएगा। ये बेजर की रोटी के साथ परोसा जाता है, तो जल्दी से बना डालिए फ्रेंड्स ये आलू प्याज पनीर। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए यमी यमी रेसिपीज। फिर मिल